Subscribe my channel, like my channel and share my channel and don't forget to press the bell icon. Hello guys, assalamu alaikum. This is Shamaila by Food with Shami. Today recipe is ginger chicken. So let's make with me. Viewers, मैं आज ginger chicken बनाऊंगी तो इसकी recipe आपसे share करूंगी. तो चले recipe की तरफ चलते हैं. ये इनके ingredients हैं. ये मैंने chicken ली है, हाफ के जी क्यूब्स कट में काट लिया मैंने. देखें, ये मैंने चार टमाटरों को लेके, मीडियम साइज़ के टमाटरों को लेके ब्लेंड कर लिया है, प्यूरी निकाल ली इसकी. ये मैंने ऑयल ले लिया आधा कप. ये अदरक ली मैंने 1/4 कप, जूनियन कट में मैंने काट लिया लंबी लंबी बारीक बारीक. फिर इसके बाद ये मैंने 1 टेबल स्पून ग्रीन चिलीज का पेस्ट ले लिया, हरी मिर्चों का. ये पेपरिका पाउडर ले लिया मैंने 1 टीस्पून. ये जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया 1 टेबल स्पून. ये सोया सॉस ले लिया मैंने 1 टेबल स्पून. ये चिली सॉस है, रेड चिली सॉस 2 टेबल स्पून. सॉल्ट टू टेस्ट ले लिया मैंने. ये मैंने एक पॉट चढ़ाया, हीट किया, इसमें मैं ऑयल डाल दूँगी. ऑयल हीट हो जाए तो इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी. फिर इसको मैं फ्राई करूँगी तब इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए. इसमें मैं एक क्यूब्स कट में जो चिकन मैंने रखी थी वो मैं डाल दूँगी. फ्लेम को मैं मीडियम लो रखूँगी. इसको मैं फ्राई करूँगी. इसको मैं जब तक ही फ्राई करूँगी जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए. फिर इसमें मैं हरी मिर्च को पेस्ट डाल दूँगी, चलाऊंगी. फिर इसमें मैं पेपरिका पाउडर डालूंगी. फिर नमक डाल दिया मैंने, इसको मैं चलाऊंगी इवनली. फ्लेम को मैं मीडियम रखूंगी, मीडियम लो. सोया सॉस डाल दूंगी, चिली सॉस डाल दिया. फिर इसको चलाऊंगी. फिर इसमें मैं टमाटरों की प्यूरी डाल दूंगी, चला के फिर इसको मैं इसका लेड लगा दूंगी. लो मीडियम लो फ्लेम पर रखूंगी, 15 मिनट तक पकाऊंगी. उसके बाद लेड इसका रिमूव करूंगी. गोश्त गल चुका है क्योंकि क्यूब्स कट में था. इसको मैं चलाऊंगी ज़रा. ये देखें इसका, ये हो गया तकरीबन. इसका टमाटर का पानी भी सूख गया. ये इस तरह होना चाहिए. फिर इसका दोबारा मैं ढक के लो हीट पे 5 मिनट के लिए रखूँगी ताकि तेल ऊपर आ जाए. दोबारा इसका लिड रिमूव करूँगी. तेल हल्का हल्का ऊपर आ गया. फिर मैं अलग से एक पैन चलाऊँगी, उसमें 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी और जूलियन कट जो अदरक मैंने काटी थी वो डाल दूंगी. इसको मैं हल्का सा गोल्डन फ्राई करूंगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसका कलर चेंज नहीं करना है. फिर इसके बाद मैं फ्राई करने के बाद इसको चिकन जो मैंने पकाया था उसमें डाल दूंगी. फिर इसको मैं सर्व करूंगी. ये मैंने सर्व कर दिया. अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर और कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. जज़ाकअल्लाह.